बच्चों, आज हम बात करेंगे ब्रक नलिका। हमारे शरीर में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं, हमारी किडनीज हैं, और उन किडनीज की जो प्रमुख यूनिट है वो है नेफ्रॉन या ब्रक नलिका, जो मुख्य कार्य करती है उस किडनी के अंदर। किस प्रकार वो काम करती है, कैसी उसकी संरचना होती है, किस प्रकार से वो हमारे शरीर में यूरिन यानी मूत्र का निर्माण करती है, आज इसी सब के बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और वैसे सामान्य जानकारी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम चित्र पहले बात करेंगे, चित्र में ही आगे समझते भी चलेंगे। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, कैसे इसको बनाना है ये भी समझ लीजिए। इसमें हम तीन लेटर्स की मदद से इसको बनाएंगे, एक तो एस एम एम लेटर की मदद लेंगे, एस वी और यू, इन तीन लेटर्स की मदद से इसको हम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां एक उल्टा यू आकार का आपको इस तरीके से बनाना है, बोमेन संपुट को ऐसे, और इसी में पीछे रिवर्स में ऐसे ले जाना है, मतलब डबल यू आपको बनाना है। यहीं से थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और फिर यम शेप में आपको बनाना है। किस तरीके से, ये देखो यम बन गया है। अब फिर इसको हम नीचे, अब इसको भी साथ में ले लेते हैं, थोड़ा सा गैपिंग देके इसको करना है तो क्लियर आएगा। पास पास होगा तो फिर दूसरी वाली नहीं ले पाएगी। ये ले गए, थोड़ा सा गैपिंग देना है और फिर नीचे ले गए, यम बन गया, और फिर थोड़ा सा गैपिंग दे करके इसे नीचे ले जाना है। अब इसी प्रकार से इसको भी लाना है इसी के साथ, ये यम बन गया। देखिए अब इसी यम के द्वारा ही अब नीचे चले जाएंगे, उल्टा यू बना देंगे यहां पर। देखिए कैसे, इस तरीके से चलेगा। इसको भी इसी साथ में लेके चलेंगे, यू बन गया, हेनले लूप इसे कहते हैं। यहां पे आपको यस बनाना है, देखिए कैसे, उल्टा यस बनाना है। तो चाहे तो आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं या इधर से भी ले जा सकते हैं। एस बनाना मतलब ऐसे करके ऐसे लाना है, तो उसी तरीके से इसको ले जाएंगे। ऐसा एस होता है कुछ इसी तरीके से, ऐसे ऐसे होता है। यस यस बन गया। अब इसको ले जाएंगे इधर दोबारा यम, बना करके फिर वी बना करके और इधर उसमें हम जोड़ देंगे संग्रह नलिका में। इधर हमारी संग्रह नलिका रहेगी इस प्रकार से, इसमें बहुत सारी आकर के नेफ्रॉन्स ऐसे जुड़ती हैं, उनको यहां पे नहीं हम दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। ये हमारी संग्रह नलिका में जाकर के जुड़ गया। तो ये तो जो आपने देखा है डायग्राम, इसके अंदर हमारा क्या चलता है, यहां से एक बार खून का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। चलिए पहले चित्र बना लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। इसको कहते हैं ब्रक धमनी, यहां से ब्लड इसके अंदर आता है और इसके अंदर यहां बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज में बट जाता है। इसको कहते हैं अविवाही
धमनिका, अभिबाही धमनिका और इसको कहते हैं रीनल धमनी, ब्रक धमनी भी कह सकते हो या रीनल धमनी। यहां से फिर ये नीचे निकलती है, इसको कहते हैं अपवाही। यहां से ब्लड इसके अंदर जाएगा, इसको कहेंगे अपवाही धमनिका। और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है बोमेन संपुट, इसको हम क्या कहते हैं बोमेन संपुट। अब ये यहां से निकल करके इसके ऊपर लिपटती हुई आगे बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए किस तरीके से लिपटती है, जैसे ये आई, अब इस तरीके से इधर जाएगी, ये इधर आया, इस पे लिपटी, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर, इसके चारों ओर ऐसे लिपटती हुई चली जाती है। एक जाल टाइप का बन जाता है ऐसे। ऐसे जाल जैसा बनता हुआ चला जाता है। और लास्ट में फाइनली में यहां से जाकर के ये यहां पे रीनल सिरा, रीनल का मतलब यहां पे व्रक से है, किडनी से है, ब्रक सिरा। और ये पूरा इस तरीके से इसमें लिपटी रहती है, ये इसका इससे कनेक्शन रहेगा, इससे जुड़ी रहेगी, ये मान लीजिए इससे जुड़ा था, पूरा इस पे एक जाल नेटवर्क जैसा इस पे बना लेती है। ये आप देख रहे होंगे ये पूरा, और आपस में भी ये इंटरकनेक्टेड रहती हैं। तो इस प्रकार ये पूरा चारों तरफ एक जाल जैसा बन गया। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से ये अपनी फंक्शनिंग करती है। सबसे पहले ब्लड यहां पे आता है रीनल धमनी से, इसके अंदर आता अविवाही धमनिका में। ये अविवाही धमनिका मतलब यहां से इम्प्योर ब्लड आ रहा है। कैसा है? इम्प्योर है, मतलब उसको शुद्ध करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा, इसको जो ये देख रहे हैं इसको कहते हैं केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ, क्योंकि कैपिलरीज के द्वारा ही आदान प्रदान होता है। तो इसकी जो कैपिलरीज हैं यहां से पूरा ब्लड एक तरीके से फिल्टर हो जाता है। ये जो बोमेन संपुट देख रहे हैं ये पूरा उसमें से पानी के साथ साथ, यानी हमारे जो ब्लड में पानी है उसके साथ साथ जो पोषक तत्व हैं वो भी इसके अंदर चले जाते हैं। और जब एक बार इसके अंदर आ गए तो हमें हमारे शरीर से तो वेस्ट मटेरियल निकलने थे लेकिन उसमें पोषक तत्व भी चले गए हैं, तो फिर क्या होगा, उनका रीऑब्जर्वेशन होता है, फिर से क्या होना है रीऑब्जर्वेशन। और दूसरा एक चीज और है, यहां पे पूरा पानी फिल्टर हो जाता है तो हमारे शरीर में पानी की भी जरूरत है, तो फिर से कुछ पानी, यानी कि जितना हमारे ब्लड में पानी होना चाहिए उस मात्रा को नियंत्रित करने के लिए फिर से पानी का भी अब्जॉर्प्शन होता है। तो जब एक बार पूरा इसमें चला गया बोमेन संपुट के द्वारा उसमें से पानी और पानी के साथ पोषक तत्व भी, तो फिर क्या होगा, यही जो यहां से अपवाही धमनिका आई थी वही अपवाही धमनिका, यानी कि दूसरे उसमें चेंज हो गई है ये, अब यही इसके ऊपर लिपट जाती है पूरा। ये इधर से ब्लड आया था और इसमें गया, इस पे ये, और ये जो इसके अंदर लिक्विड यानी पानी और पोषक तत्व तो चले गए हैं वो इसके द्वारा आगे बढ़ते रहते हैं। इसको कहेंगे यू आकार का हेनले लू। ये कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका इसको कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका।
और इधर इसको कह सकते हो दूरस्थ कुंडली नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और इसमें नीचे की ओर जाता है, इसमें ऊपर की ओर जो लिक्विड अब्जॉर्ब हो गया है इसको कहेंगे अवरोही, ये नीचे की ओर जा रहा है तो इसको कहेंगे अवरोही नलिका, और इसको कहेंगे आरोही नलिका। और ये जो है ये जाल एक तरीके से पूरा बन जाता है, इसको हम कहेंगे जाल, केशिका जाल। केशिका का मतलब है कैपिलरी से, यानी कि इसी के द्वारा आदान प्रदान होता है शरीर में जो भी होता है। ये धमनी, धमनिका और फिर उससे भी पतली होती हैं केशिका जाल, तो ये पूरा एक तरीके से लिपटी हुई है। अब होता क्या है, जो लिक्विड यहां पे एक बार अब्जॉर्ब होके चला गया था, अब फिर से रीअब्जॉर्बेशन होता है। जो ये चारों तरफ आप जाल इसके फैला हुआ देख रहे हैं, और कुंडलित का मतलब ज्यादा टाइम मिल जाए अब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए उसमें से फिर से पुनः पानी और पोषक तत्वों का रीअब्जॉर्बेशन होता है, यानी कि पुनः अवशोषण होता है हमारे ब्लड में, क्योंकि इसी में ब्लड वो चल रहा है, कंटिन्यू आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और इसके द्वारा जब पूरा कलेक्ट हो जाता है हमारे ब्लड में, यानी जितना पानी की मात्रा थी वो आ जाती है वापस, और जो पोषक तत्व है वो वापस आ जाते हैं, तब फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो जाकर के यहां पे संग्रह नलिका में, ये हमारी क्या है संग्रह नलिका, इस संग्रह नलिका में जाकर के वो इकट्ठा होता रहता है। ऐसे हमारे शरीर में लाखों की संख्या में ये जो वृक्क नलिका है, ऐसे लाखों वृक्क नलिकाएं किडनी में मौजूद हैं, और जो फिल्टर यानी कि हमारे खून को फिल्टर करती हैं, और जो उसमें जहरीले या विषाक्त पदार्थ हैं उनको वो अलग करती हैं। जब एक बार पूरा रीऑब्जर्वेशन हो जाता है तब ये फिर रीनल सिरा यानी वृक्क सिरा में आ जाता है ब्लड, और यहां से फिर से जो है हार्ट को भेज दिया जाता है। यानी कि यहां पे किडनी में क्या काम हुआ कि जो अशुद्धियां थी वो फिल्टर कर दी गई। ये तो सिर्फ एक किडनी है, उसमें लाखों किडनी, सॉरी ये तो एक वृक्क नलिका है, किडनी में लाखों की संख्या में वृक्क नलिकाएं होती हैं। जैसे हम चाय को छानते हैं फिल्टर से, फिल्टर करते हैं तो उसमें बहुत सारे छिद्र हैं, सारे छिद्र अपना काम करते हैं तभी वो फिल्टर हो पाती है। तो ऐसे ही वो वहां पे एक छिद्र है छलनी में, उसी का रूप है किडनी में, वैसे ये एक यूनिट है, ऐसे लाखों की संख्या में है जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, और यहां पे यूरिन कलेक्ट होकर के हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार आज हमने समझा कि वृक्क नलिका किस प्रकार से काम करती है।